नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि आजकल जो दूध आ रहा है बाज़ार में, उसके साथ में, उस दूध के साथ में क्या दिक्कतें हैं, हमें वो दूध कैसे नुकसान कर सकता है, क्या दिक्कतें हैं उस दूध के साथ में। देखो, सबसे पहले तो जो तुम्हें दूध वाला दूध देता है, जो तुम अपनी आँखों के सामने दुआ करके नहीं लाए, दूध को दुआते हैं ना, जो दूध दूना बोलते हैं उसे हम लोग यहाँ राजस्थान में, मुझे पता नहीं तुम्हारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर गाय का दूध दूना जो होता है उस, वो तुमने अगर सामने नहीं दुआ करके खरीदा है, तो जो तुम्हारे घर पे ला करके तुम्हें दूध देता है या तुम कहीं दुकान पे जाकर दूध लेते हो जो कि पहले से दुआ हुआ है, तो क्या होता है उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं और थोड़ा दाम कम कर देते, तुम्हें लगता है वो सस्ता दूध बेच रहा है तो तुम बोल जाते हो, या फिर क्या करता है कि दूध में पानी मिला देते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध थोड़ी क्वालिटी हल्की हो जाती है, पानी मिला देते हैं, क्रीम भी निकाल लिया, पानी मिला दिया, फिर क्रीम नहीं निकाला, पानी मिला दिया, दूध का भार बढ़ा लिया, ज़्यादा दूध करके बेच दिया। देखो, इसमें क्या, क्रीम निकाल लिया तो चलो, क्रीम निकाला तुम्हें उसका कोई खास नुकसान नहीं है, पानी मिला दिया तो अगर साफ पानी मिलाया तो तुम्हें उसका कुछ खास नुकसान नहीं है, वो पानी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि क्रीम निकालने के बाद में उसमें मलाई ज़्यादा आए, उसके लिए थोड़े सस्ते तेल मिला देते हैं, कुछ दूध वाले ऐसा कर देते हैं। और पानी का क्या है कि पानी मिलाओ, साफ पानी मिलाओ तब तक तो कोई खास दिक्कत नहीं लग रही, पर नाली का पानी मिला देते हैं क्योंकि उसके पैसे नहीं मिलते, उसके पैसे नहीं लगते, जो सरकार के कनेक्शन से पानी आता है सरकार की तरफ से उसके पैसे लगते हैं, तो कई बार बहुत घटिया पानी जो फेंकने का पानी होता है वो भी मिला देते हैं। और आज गटर के पानी से खेती बाड़ी भी हो रही है, मतलब ये भी बता दूँ आपको, खेतों को सींचा जा रहा है आजकल गटर के पानी से क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते, ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। चलो, ये भी सेहत के लिए नुकसानदायक अगर कम हो तो इससे और भी बड़े नुकसान के, आजकल केमिकल से बनाया हुआ दूध आ रहा है, केमिकल से ही दूध बनाया जा रहा है, वो शरीर में जाके आप केमिकल क्या कर दे आपके साथ में आपको कुछ पता नहीं है। गायों को इंजेक्शन दिया जाता है हार्मोन के ताकि वो ज़्यादा दूध दे, ये जो हार्मोन है उस गाय को जो इंजेक्शन से दिए जा रहे हैं वो उसके, ये जो हार्मोन है उसके दूध के जरिए होकर के हमारे शरीर में जाते हैं ये, और हमारे शरीर के हार्मोन में ऊंच नीच कर देते हैं, हमारे शरीर का जो हार्मोनल बैलेंस है उसे ख़राब कर देते हैं, जो हमारे शरीर में कुदरती हार्मोन नहीं होने चाहिए वो आ रहे हैं तो वो हमारे को नुकसान करेंगे, ये हार्मोन हमें नुकसान करते हैं। आजकल क्या है, ऐस गायों से मतलब जेनेटिकली उन्हें बदल करके ऐसी गायें बना दी गई हैं, तो उनसे क्या कि जब गाय के पेट में बछड़ा होता है तो आखिरी के कुछ महीने दूध नहीं देती है, जब बछड़ा पैदा होने वाला होता है उससे कुछ महीने पहले तक वो दूध नहीं देती है, तो आजकल क्या है कि उन गायों से 9 के 9 महीने ही दूध दुआ जा रहा है, मतलब उन गायों के से जो आखिरी के महीने उनमें भी दूध दुआ जा रहा है। उसमें क्या होता है, गाय के शरीर में जो हार्मोन के लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में भी होता है गाय के शरीर में भी होता है, पर वो उस समय गाय के शरीर में जितना होता है उसका 30 गुना हो जाता है लगभग, तो वो उसके दूध में भी आएगा वो हार्मोन और वो हमारे शरीर में जाएगा। अब सोचो अगर हमारे शरीर में गाय के शरीर का 30 गुना जो कि उसके शरीर का भी 30 गुना है उतना एस्ट्रोजन जाएगा, हमें कितना नुकसान कर सकता है। मशीन से गायों का दूध दुआ जाता है, मशीन से क्या है, गाय का दूध दूहता है तो गाय के थन खराब हो सकते हैं, गाय को इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर मशीन ढंग से साफ़ नहीं करी जाए, जो कि होने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि मशीन ढंग से साफ़ नहीं करी जा रही होगी, गाय के थन खराब हो सकता है, गाय के थन खराब हो सकता है तो गाय का जो दूध की थैली होती है उसके अंदर दूध भर सकता है, जिसके कारण वो दूध भरते भरते गाय बीमार हो सकती है, मर सकती है, तो गौ हत्या का भी पाप आ सकता है इसमें। और मुझे किसी ने बताया, हालांकि मेरे पास में इसका कोई विज्ञान का प्रूफ नहीं है, पर मुझे किसी ने बताया कि गाय का जब, किसी दूध वाले ने बताया कि गाय का जब मशीन से थन दूते हैं ना, तो जब हाथ से दूते तो हमें पता चल जाएगा दूध आना ख़त्म हो गया, अब दूध नहीं आएगा तो हम रुक जाते हैं, पर मशीन को क्या है थोड़ा देर से पता चलेगा या मशीन को एकदम से पता नहीं चलेगा कि दूध आना बंद हो गया, तो उसके बाद में भी थोड़ा यूं करती रहेगी। उसमें क्या है, गाय के शरीर से कुछ और अंश भी आ जाता है जो कि हम उस दूध में आकर हमारे पीने में जाता है तो हमें नुकसान करता है, इसलिए गाय हाथ से दुई हुई ही ठीक। और कुदरती तरीका यही है, सदियों से कितने हज़ारों सालों से हाथों से ही दूने का तरीका है गायों को, जो कुदरती तरीका ही है, तो उसके साथ में मशीन से दू करके छेड़छाड़ करने से कुछ नुकसान हो सकता है, तो हमें गाय का दूध वही लेना चाहिए जो गाय हाथ से दुई जा रही है।
इसकी आगे वाली वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे कहाँ से दूध खरीदना चाहिए, कहाँ से दूध नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। आप सभी वीडियो मिलेगा, बाय बाय।